नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। देखिए, केवीएस का जो कल आंसर किया आया था, उसके बाद मैंने एक पोल कराया था जिसमें हम मैंने रिक्वेस्ट किया था सभी को कि आपका जो स्कोर है वो बताइए। तो वो देखिए, पोल में जो आ रहा है तो आप देख सकते हैं, तो दैट इज़ अगर 40 से 50 मार्क्स में अराउंड 4% है, 50 से 60 में 6% है, 60 से 70 में 19% एंड 70 से 80 में आपका 39% है। ठीक है, तो वही अगर आप बात करें तो 80 से 90 में आपका 33% है गाइस। ठीक है, तो 33 आप समझ सकते हैं, 33% है आपका। तो इसके बेसिस में जो पोल हुआ है, देखो 326 बच्चे ने जो है पोल किया है, 326 बच्चे। तो इसके बेसिस में जो प्रोबेबल और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते क्या हो सकता है। तो गाइस ये देख लीजिए, थोड़ा सा ये एनालिसिस निकल के आ रहा है जिसमें आपका, मैं पहले बता दूँ, इंग्लिश में 20 मार्क्स था, हिंदी में 20, जीके में 15, रीजनिंग 15, कंप्यूटर में 15 और मैथ्स में 15। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर मैथ्स खाली अगर थोड़ा सा आप इंग्लिश और हिंदी में, जिसमें थोड़ा सा कम मार्क्स आ रहा है सभी का, बाकी आप जीके रीजनिंग, जीके भी कुछ 2-3 या 5 क्वेश्चन आप मान सकते हो जो करंट से एकदम पूछ लेता है, उसमें दिक्कत हो रही है। बाकी ओवरऑल पेपर बहुत ही ईजी था, तो इसीलिए कट ऑफ तो हाई जा सकता है। ऊपर से टाइम में कोई दिक्कत नहीं था, इसमें नेगेटिव नहीं था, टाइम भी अच्छा था बच्चों के पास, नेगेटिव नहीं था। उसके बाद अगर वैकेंसीज की बात करें तो 561 वैकेंसीज ही है, तो इसमें देखो कट ऑफ क्या जा सकता है। देखो अगर हम लोग जनरल का 284 है, प्रीवियस ईयर का देखें तो वो 60 कट ऑफ था, तो ये मुझे लग रहा है अराउंड 77 से 82 जो है कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी का 51 वैकेंसीज है, इसमें 75 से 80 जा सकता है। एससी का आपका 84 है, इसमें 73 से 78 जा सकता है, जबकि ओबीसी का 59 इससे पहले था प्रीवियस का। एससी का आपका 58 था, एसटी का 57 था, OH का 58, VH का 57 एंड HS का 48। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो देखो यही हो सकता है। और ST का 72 से 77, OH का 65 से 70, VH का 65 से 70 एंड HS का थोड़ा कम होकर 60 से 70 जा सकता है, क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं 326 जो पोल हुआ था उसमें ऑलमोस्ट 80 से 90% जो है वो बहुत ही ज़्यादा थे, 70 के अबव जो है बहुत ही ज़्यादा थे, तो उसी लिए वो बेसिस में ही मैं बना रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद देखो वैकेंसीज, क्योंकि 561 है वैकेंसीज, 561 है तो स्किल टेस्ट में मान लेते 8-10 टाइम्स बुला सकता है, तो अराउंड 5,800 बच्चों को बुला सकता है। और ये जो है पहले आपका टेस्ट जो होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, वो 50 मार्क्स जस्ट क्वालिफाइंग है। देखो मार्क्स रखा हुआ है, वो लोग एक फिक्स कर देंगे आपको क्वालिफाइंग करने के लिए, हिंदी में 35 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30। और आपको सीपीटी भी देना है, वो भी क्वालिफाइंग है 100 मार्क्स का, उसमें एमएस ऑफिस पूरा है, मतलब पावर पॉइंट, मतलब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सभी है, और 40% आपको लाना है। ठीक है, 100 मार्क्स में 40% लाना है, मैंने 40 मार्क्स आपको लाने हैं। तो इसका भी हम लोग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका मैं बना के दे दूंगा, कैसे करना होता है, जो इजी मेथड में कैसे आपको क्या देते हैं, वर्ड में क्या देता है, एक्टिविल फॉर्मा में, एक्सेल में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, तो उसका भी मैं आपको एक एक करके स्लाइड बना के दे दूंगा, तो वो भी ज़रूर देख लेना। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सभी बच्चों से शेयर करो, सो दैट सभी को पता चले क्या हो सकता है। देखो इससे ये एक्सपेक्टेड है, इससे अगर आपका मार्क्स थोड़ा भी कम होता है तो डेफिनेटली आप जो है स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन करेंगे। अगर इस बार नहीं हुआ तो दूसरे कोई एग्जाम में आपको जो है फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आप प्रिपरेशन ज़रूर करना है। ये नहीं आप इसको देख के प्रिपरेशन ना करो, तो प्रिपरेशन ज़रूर करना है आपको, क्योंकि ये जो है आपका मेहनत, जो आप हार्डवर्क करोगे प्रिपरेशन करने के लिए स्किल टेस्ट का या कंप्यूटर, ये कोई ना कोई दूसरे एग्जाम में भी अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं करते उस टाइम तो काम आएगा। तो ज़रूर प्रिपरेशन करते रहना, हाँ रेगुलर प्रिपरेशन करोगे तभी जाके आप स्किल टेस्ट को जो है क्वालिफाई कर पाओगे गाइस। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, जो नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।